अब हम अहिंसात्मक का आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार के चूल्हे हिल जाएंगे, बता दे रहा हूँ। और अगर सरकार नहीं मानी तो ये सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में तब्दील हो जाएगा। यहाँ सरकार तो बदल गई है, भारतीय सरकार है हमारे पास, लेकिन फिर भी कुछ नीतियाँ हैं जो इन्होंने अभी ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं तो वो किसान के हित में नहीं है, ऐसा किसान कहता है, सरकार कहती है आपके हित में है। ये कभी प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हों कि ये कानून लोगों की समझ में नहीं आया, ये बहुत अच्छी तरह से देश की जनता समझ गई है कि ये जनता के खिलाफ है कानून, जनता के हित में नहीं है, ये अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए कानून बनाया गया है। शहीद आजम भगत सिंह ने अपने एक लेख में लिखा था, पंजाब के कुछ नौजवान जो कि विशेष रूप से बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित हुए थे, उनमें से एक मेरे आदरणीय चाचा सरदार अजीत सिंह भी थे। सरदार अजीत सिंह वो नाम है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। सरदार अजीत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लाए हुए कानून, जो कृषि कानून थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की थी। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल चट्टा। आज से लगभग 114 साल पहले हुए इस आंदोलन को आज भी याद किया जाता है। आज किसान आंदोलन जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर हो रहा है, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर हो रहा है, ऐसे में आज किसान इस आंदोलन को याद करते हैं, पगड़ी संभाल चट्टा आंदोलन को याद करते हैं। और आज यहाँ पर विशेष रूप से कार्यक्रम भी किया गया, जो यहाँ पर किसान मौजूद हैं उनके सरों पर पगड़ी डाली गई, खास तौर से ये संकेत देते हुए कि ये पगड़ी उस अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, ये पगड़ी किसानों की उस स्थिति को दर्शाती है जिस स्थिति में किसानों को नहीं आना चाहिए, जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसानों के खेतों का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, और जो ये कानून लाए गए हैं जिनके खिलाफ ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति डगमगाएगी। ऐसे में किसानों के लिए पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन एक तरह से प्रेरणा की तरह है। और आइए आज हम लोगों से, किसानों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज वो इस आंदोलन को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार ये आंदोलन हो रहा है लेकिन अब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आपको बता दें कि 1907 में जब ये आंदोलन हुआ था उस वक्त अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिल गई थी, यानी अंग्रेजी सरकार ने इस कानून को अंत में वापस ले लिया था, लेकिन मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं अभी भी अपने उसी अड़ियल रवैये पर काबिज है। और आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस आंदोलन से, पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन से उन्हें कितनी प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लगातार यहाँ पर हमें नज़र आए हैं और तमाम जो इंतजाम हैं वो हमने आपसे बात की उसके बारे में, आज के दिन को क्यों अहम मानते हैं आप लोग, क्या स्पेशल है आज? देखिए, आज के दिन को स्पेशल मानते हैं, ये सवाल अगर मैं करूँगा तो ये समझेंगे कि सवाल यही करते हैं, क्यों ना आप ये सवाल किसी किसान की बेटी से करें। ठीक है, चलिए मैं किसान की बेटी पर आती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन जो हुआ था वो आज किसान द्वारा याद किया जा रहा है, बहुत सी तस्वीरें हमने देखी हैं, तो क्या 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 संदेश देना चाहते हैं? जो हमारा सबसे पहले हुआ था, जिनको चाचा अजीत सिंह या भगत सिंह की फैमिली ने किया था, तो वो आंदोलन भी किसानों के लिए था। तो आज हम अगर जाते हैं एक सेंचुरी आप कह सकते हैं ना पहले, तो वो भी किसानों के, जब मतलब गवर्नमेंट ने या जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अगेंस्ट रूल्स बनाए थे तो उसके अगेंस्ट था, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। तो आज हम लोग बस उसी को याद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो बदल गई है, अब भारतीय सरकार है हमारे पास, लेकिन फिर भी कुछ नीतियां हैं जो इन्होंने अभी ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं तो वो किसान के हित में नहीं है, ऐसा किसान कहता है, सरकार कहती है आपके हित में है, तो इसी के लिए बस गहमा गहमी चल रही है। तो आज उनको याद किया हमने कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी 9 महीने तक आंदोलन किया और फतेह पाई जी, वो कानून रिपील हुए या उन्होंने वापस लिए, तो आज हम एक फिर से आंदोलन में हैं, हम उसका अभी एक तिहाई मतलब हिस्सा है। हाँ, हमें 3 महीने हुए हैं अभी यहाँ पर, जो हम सिर्फ दिल्ली में हैं, इससे पहले जून जुलाई या सितंबर से पहले से आपको पता है कि सब अपने एरिया में थे।
तो बस यही है कि उनको याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें एक सीख दी कि कभी किसानों के अहित में कुछ भी हो तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। और उन्होंने ये भी बताया क्योंकि उनकी विक्ट्री हुई तो हम लोग इससे बहुत पॉजिटिविटी ले रहे हैं और आज पगड़ी संभाल जट्टा यहाँ पर है आयोजित किया हम लोगों ने। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो किसान हैं वो इस आंदोलन से प्रेरणा ले रहे हैं, बता दें कि कार्यक्रम भी यहाँ पर आज सुबह हुआ था, जो तमाम किसान यहाँ पर मौजूद थे उनके सिर पर पगड़ी बांधी गई। मैं पगड़ी से संदेश जानना चाहती हूँ कि इस पगड़ी से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन जो हुआ। देखिए, पगड़ी का संदेश, ये तो हमारा जन्मजात पगड़ी हम लोगों के सर पर रहती है और ये तो एक पुराने जो अदर कास्ट के भी हैं वो भी सर पे कपड़े बांधते हैं। अगर आप अपने पुराने दादा परदादा की अगर फ़ोटो देखेंगे तो पगड़ी बंधी होगी। तो ये पगड़ी एक जो है ये हम इज्जत का प्रतीक है। किसान थे जो, उनके समय पगड़ी बंधी थी तो उस समय पुराने पाकिस्तान, और क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के राज्य में सूरज डूबता नहीं था कि ब्रिटेन में दिन होता है तो यहाँ रात होती है, तो उनके साम्राज्य में दिन नहीं डूबता था, हर समय सूरज रहता था। उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया कि इसमें एक उन्होंने नहर कॉलोनाइजेशन के नाम से किया था जिससे कि पानी पे टैक्स लगता, उसका जो उन्होंने किसानों ने विरोध किया। विरोध की शुरुआत भगत सिंह जी के परिवार से हुई थी, लायलपुर गांव पाकिस्तान में जो है इस समय, वहां से हुई थी, जो 9 महीने तक चला था। वो आंदोलन पहले अहिंसात्मक था, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बाद में कुछ इधर को कन्वर्ट हो गया। फिर अंग्रेज़ों ने अपने बच्चे बॉम्बे में शिफ्ट कर दिए थे सब लोगों ने कि हम वहीं से उधर को चले जाएंगे, क्योंकि उधर ही से आए थे। तो इतना डर गई थी सरकार। आखिर किसानों की एकता, किसानों के आंदोलन ने जो सर्वव्यापी हो चुका था, उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही था, तो उसके बाद उनको घुटने टेकने पड़े और उन्होंने उसको वापस लिया। अब इसी तरीके से उस समय एक लोगो बना दिया था उन्होंने, भगत सिंह का एक हमारे उसका बन गया था, तो फिर तो उस पर गाने बन गए बहुत, पगड़ी संभाल जट्टा, तो कई ये चीज़ें हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारा, उसको भी अब आप आज देखिए, आज पगड़ी कितने लोगों ने बांध रखी है यहाँ पे, और दूसरा उसी की रूपरेखा उसी को दृष्टिगत रखते हुए अभी यहाँ पे मार्च भी निकलेगा। हाँ, अभी स्टेज से अनाउंसमेंट हुआ है तो अभी यहाँ से मार्च निकलेगा जो पूरे आंदोलन क्षेत्र में आके घूम के आके यहीं पे समाप्ति होगी उसकी। मैं आप कुछ कहेंगे इस पगड़ी संभाल जट्टा? पगड़ी संभाल की यह है कि हमारी तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया ना था, इन्होंने उसी टाइम में ये हमें पगड़ी संभालने के लिए कहा था। हाँ, और केस रखने के लिए और पगड़ी संभालने के लिए कर, और पगड़ी तो मुसलमान भी संभालते हैं, उनके जो मोहम्मद साहब थे ना वो भी पगड़ी बांधते थे। पगड़ी तो बहुत इज्जत का सामान है, ये इज्जत है सब लोगों की। तो जैसा कि अम्मा ने हमें बताया कि ये पगड़ी सम्मान की पगड़ी है, क्योंकि किसान जिस तरह से यहाँ आंदोलन कर रहा है अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी स्थिति के लिए, जो स्थिति वो नहीं चाहता है जो कि इस कानून से आ सकती है, इसलिए किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सवाल आज ये अहम है कि उस दौर में जब अंग्रेज़ी हुकूमत थी तब ये कानून वापस ले लिए गए थे, लेकिन आज 3 महीने से अधिक आज़ाद भारत में किसान सड़कों पर हैं, लेकिन अभी भी सरकार अडिग है, बढ़ नहीं रही है, और यहाँ तक कि ये भी कह रही है कि कानून के लिए ये बिल्कुल सही समय है कानून लाने के लिए। क्या कहिए? देखिए, अगर वो सही समय बता रहे हैं जो मोदी जी, तो उन्होंने सही समय वो भी बताया था जब सती प्रथा के खिलाफ हुआ था आंदोलन। फिर ज्योतिबा फूले हैं जिन्होंने शिक्षा के आंदोलन किया था, आंदोलन सती प्रथा के खिलाफ भी हुआ था और ये भी हुआ था, वो सही समय इन दोनों को मिला के तब बता रहे हैं। ये बयान मैंने पढ़ा था उनका, ये बयान था उनका कि उसी तरीके से इसको किया गया। उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि ये ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा हो लो, इच्छा हो मत लो। और एक बात मैं और बताऊंगा, जो मोदी जी ने मेरे हिसाब से पहली बार सच बोला सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद में, उन्होंने ये माना था कि किसानों का आंदोलन पवित्र है। तो अब देखिए, पहले खाली किसानों का था, अन्न दाता का था, अब अन्न खाता का भी हो गया ये, और प्रधानमंत्री जी भी मानने लग गए हैं कि किसानों का आंदोलन पवित्र है। तो इससे ये लग रहा है कि मॉइस्चरिंग हो रही है हर किसी के दिल में, अब जो है अन्न खाता भी चल रहा है। और अभी वो तो 9 महीने अंग्रेजों के राज में चला था ना, तो ये तो अब अभी 3 महीने हुए हैं, अभी तो तिमाही हुई है। अच्छा। अभी तो उस समय की वैल्यूएशन लगा लीजिए पैसे की और उसके हिसाब से टाइम की लगाइए, अब इधर भी देखिए
ये 3 महीने अभी हैं, अभी 6 महीने बाकी हैं हमारे पास, अभी तो आगे भी हम तैयारियां कर रहे हैं। सरकार भी तो अपनों की है, सरकार तो अब अपनी है, आजाद भारत है। नहीं, आजाद भारत तो है, आजाद भारत में अभी आज अभी अभी मुझे एक समाचार मिला है कि जो एक पत्रकार को जिनको टिकटॉक के केस में बंद किया था उनको बेल मिल गई है आज। जी जी, उनको उनको जमानत मिल गई है। तो उसने किसानों की फेवर में क्या है कि क्या गुनाह कर दिया? अगर सच बोला उसने तो ये सजा मिलेगी। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि सच की आप बोलते रहना, जेल जाएगी कोई बात नहीं। एक एक किसान, एक एक किसान का बच्चा हमारे इनके साथ में है, सोशल मीडिया के साथ में। बिल्कुल सच पे रहना है, गलत नहीं बोलना है। आज के इस मौके पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरदार अजीत सिंह जो चाचा थे शहीद भगत सिंह जी के, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था 1906-1907 में, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। उस आंदोलन में 3 कानून आए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, जो सिंचाई की व्यवस्थाएं थी उसको लेकर और ज़मीनों को लेकर, उसके विरोध में उन्होंने एक कार्यक्रम किया था और बहुत ही मजबूत, और उससे सरकार हिल गई थी अंग्रेज़ सरकार, उन्हें वापस लेना पड़ा था वो कानून। और उसके बाद उनको देश छोड़ने का आदेश दे दिया अंग्रेज़ों ने, और उन्हें ईरान, फिर इंग्लैंड, फिर उसके बाद जो है फिर वो यूरोप और फिर जाके फिर कनाडा चले गए, फिर वहाँ से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत किया। हमारे 2 क्रांतिकारी नेता रहे, एक तो सरदार अजीत सिंह जी और दूसरे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की जो नींव रखी, उनकी कल जयंती थी। उन दोनों को मिलाकर हम आज पगड़ी संभाल जट्टा कर रहे हैं। हम संदेश देना चाहते हैं कि ये 100 साल के अंदर, 100 साल बाद भी वही सरकमटेंसेज हैं, वही 3 काले कानून हैं, और उनके खिलाफ जट्टा यानी किसान खेतिहर मजबूती से आ जाओ, लड़ो और इस सरकार को वापस जो 3 काले कानून उनको करवाओ, MSP गारंटी कानून पे कानून बनवाओ, CACP पे संवैधानिक दर्जा दो, और इसके साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा कि गांव तक, ये अब पंचायतों के माध्यम से हम कर रहे हैं। इसी के क्रम में अभी हमने बेलारी में, मैं भारतीय किसान यूनियन असली का प्रवक्ता भी हूँ, और हम बेलारी में भी हमने किया 17 तारीख को, और उसके बाद भी हो रही हैं। अभी हम 6 मार्च को फिर से अमरोहा में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में हम राजपुरा अमरोहा में एक किसान महापंचायत बुला रहे हैं। उसमें सारे किसान नेता, देश भर के किसान नेता आएंगे और जनता को उन बातों को बताएंगे कि सरकार एक्चुअल कर क्या रही है, सरकार क्या कर रही है। सरकार एक ब्लेम गेम खेल रही है, किसानों के ऊपर आरोप लगा देना, नई नई टैगलाइन दे देना। कल जैसे मारपीट हुई, किसानों को मारने की कोशिश की गई मुजफ्फरनगर में। अब ये बताओ आप, डेमोक्रेटिक राइट है किसान का विरोध करना, अहिंसात्मक विरोध, नारेबाजी ये करना, ये भी भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों को मंजूर नहीं है इस देश के अंदर। ये फासिज्म की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं, इस देश को ये इमरजेंसी की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसके विरोध में ये किसान एक 3 काले कानूनों के खिलाफ ही नहीं, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इस देश के अंदर जो गणतंत्र है उसको मजबूती देने का काम भी हमारे किसान आंदोलन कर रहा है। और ये बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन है जो ये भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र सरकार के लोग जो गलत बयानी कर रहे हैं उनको बहुत भारी पड़ेगा। आज गांव-गांव बोर्ड लग रहा है, कल संभल में एक बोर्ड लगा और उसको उखाड़ के पुलिस ले गई। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने केसेस करने की कोशिश की, थाने का घेराव शुरू कर दिया है। अब किसान जो है असहयोग आंदोलन और करेंगे और थानों का घेराव भी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का घेराव भी करेंगे। अब हम अहिंसात्मक आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार की चूले हिल जाएंगी, मैं बता दे रहा हूँ। और अगर सरकार नहीं मानी तो ये सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में तब्दील हो जाएगा ये आंदोलन। जैसे कि प्रबल जी ने हमें बताया कि इस तरह की महापंचायतें और भी होती रहेंगी, और मैं आपको बता दूं कि जब ये कानून अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए थे तब ये पगड़ी संभाल जट्टा नाम का मूवमेंट चलाया गया था, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने लास्ट में बात मान ली थी, यानी एक तरीके से इस कानून को वापस ले लिया था। लेकिन अभी भी सरकार अटक है, आगे नहीं बढ़ रही है, और ये कह रही है कि ये बिल्कुल सही समय है इस कानून को लागू करने का। क्या कहिएगा? आज जो रसोई मैंने हिसाब लगाया था, गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसकी रसोई 150 रुपये रोज से लेकर 250 रुपये रोज तक का उसका रसोई का खर्चा है, और वो जब 5 गुना हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कम से कम 20-25 हज़ार रुपये, यानी लगभग 700-800 रुपये से लेकर 1,000 रुपये रोज का उसका रसोई खर्चा हो जाएगा। और वो कमा रहा होगा 7,000, 6,000, 8,000 रुपये। एक रिक्शे वाला हुआ तब भी 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमाता, एक
ठेले वाला है वो भी नहीं जा, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो लोग खाना कैसे खाएंगे? तो ये तो उन लोगों की लड़ाई बहुत ज़्यादा है। किसान तो एक बार अपने खेत में बोलेगा, वो पैदा कर लेगा अपने खाने लायक, वो खा सकता है, लेकिन जो और दूसरे तमाम लोग मजदूर लोग हैं, 60% से भी 70% लोग जो हैं, उनकी रोटी कहाँ से आएगी उनकी? इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कहने के लिए कहा जाता है कि पंजाब बुद्धिजीवी लोग हैं, पंजाब के लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और पंजाब के लोगों में एक ये कहा गया है गुरु ग्रंथ साहब में कि जुल्म सहना भी पाप है और जुल्म करना भी पाप है। तो वो जुल्म ना सह, उन्होंने देखा कि इस देश के ऊपर ये जुल्म करने जा रही है सरकार, तो इस जुल्म के खिलाफ वो लोग पहले आए, और हम लोग भी पंजाब से ही थे पहले, हम बाद में आए, हम लोग उत्तराखंड में आके बस गए, और हमारे भाई लोग यूपी के भी आए। तो सबकी समझ में आ गया है, ये कभी प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हों कि ये कानून लोगों की समझ में नहीं आया, ये बहुत अच्छी तरह से देश की जनता समझ गई है कि ये जनता के खिलाफ है कानून, जनता के हित में नहीं है, ये अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए कानून बनाया गया है, ये देश की जनता के लिए नहीं है।